जी के साथ 18 घंटे हमारी टीम पहुंची चंदौली, जहां से चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं बीजेपी प्रत्याशी महेंद्र नाथ पांडे। महेंद्र नाथ पांडे सुबह जल्दी उठ जाते हैं और फिर पूरे विधि विधान से पूजा पाठ करते हैं। फिर शुरू होता है लोगों और कार्यकर्ताओं से मुलाकात का सिलसिला। हमने रास्ते पर महेंद्र नाथ पांडे से चर्चा की। इस वक्त मैं टेबल पर हूँ, हालांकि ये डाइनिंग टेबल नहीं है, ये ऑफिस की टेबल है, लेकिन कहते हैं कि चुनाव में न केवल परिस्थितियाँ बदलती हैं बल्कि घर ऑफिस का नक्शा भी बदल जाता है। उसी नक्शे में ये टेबल ने भी अब कभी कुछ देर पहले मीटिंग टेबल का शक्ल थी तो अब यहाँ पर आप देख ही रहे होंगे ब्रेकफास्ट टेबल डिनर टेबल का रूप हो गई है। अगर मैं नाश्ते की बात करूँ तो मुझे लगता है ये बेसन का चीला है, ये दलिया है, ये टमाटर की जो पूर्वांचल में चटनी होती है वो है। तो गुरुजी सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये कि लगातार आप, मैं देख रहा हूँ देर देर रात में आपका आना हो पा रहा है, सुबह जल्दी निकल जाना हो रहा है, नींद नहीं पूरी हो पा रही है, तो ऐसे में नाश्ते के लिए भी कुछ आपने बोल रखा होगा, क्योंकि इस समय तो मौसम का भी बड़ा मिजाज गर्म है, चुनाव तो गर्म है ही, मौसम का भी बड़ा गर्म। आज तो घर पर नाश्ता हुआ तो ऐसा है, क्षेत्र में होता है तो लोग अच्छा खासा दही वही खूब खिलाते हैं, यहाँ भी आज मीठी दही उपलब्ध हो गई जी संयोग से जी। नहीं तो हम लोग सत्तू का भी इस्तेमाल करते हैं जी जी, सत्तू घोर के भी ले लेते हैं जी। और चलता है चुनावों का संगठन के काम करने का जीवन भर का अनुभव, कभी कोई स्पेसिफिक प्लानिंग से नाश्ता वास्ता का जीवन नहीं है। मैं भी देख रहा था, देखिए आप इस टेबल पर भी आपको एक छोटी सी गीता भी रखी है, तो ऐसी आपकी, मैं देखता हूँ कि आपकी गाड़ी में भी छोटी छोटी बड़ी धार्मिक किताबें रखी रहती हैं, क्या वो इसी पढ़ता रहता हूँ विद्यार्थी जीवन से, मेरी आदत है, मेरे ब्रीफकेस में भी पूजा के सामान प्लस एक दो कोई ना कोई पठनी ऐसी चीज जी। एक दोनों कोई, मैं दो चीज़ें जरूर रखता हूँ, एक दो कोई औपन्यासिक कथानक कोई ऐसा विषय, और दूसरा कोई लेख अगर ताज़ा है तो उसे रखता हूँ साथ में। गांव में तो ये मान लिया जाता है कि जनता दामाद है और नेता जो है बिटिया भी आई हो, ऐसा कुछ भाव हो जाता है, मतलब इतना ज़्यादा उम्मीद करते हैं। नहीं नहीं बहुत सही है, उम्मीद करना स्वाभाविक है, जनता अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में व्यस्त रहती है। चुनाव के समय जब नेता जाते हैं, जनता के कई रूप होते हैं, एक होता है सक्रिय रूप से भागीदारी, एक होता है जिस पार्टी को पसंद करते हैं वो उसको वोट करते हैं, उसके बाद अपने निजी जीवन में लग जाते हैं, तो ऐसी जनता के पास हम ज़्यादा जाने की कोशिश करते हैं, उसको अपने पास बुलाने की कोशिश करते हैं। नेता जी के साथ 18 घंटे का ये कार्यक्रम लगातार आज केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे के साथ जारी रहेगा। सुबह पूजा हुई, सुबह उठे कार्यकर्ताओं से मिले, पूजा हुई, फिर पूजा के बाद हम नाश्ता कर रहे हैं, नाश्ते के बाद फिर यहाँ से लगातार जो कार्यक्रम है, कहीं जगह पर नुक्कड़ सभा है, कहीं जगह पर लोगों के यहाँ पर कार्यक्रम है, कुछ जगह पर बड़े सभाएं हैं, तो कुछ तमाम सारे जो कार्यक्रम है वो दिन भर जारी रहेंगे। इसके बाद महेंद्र नाथ पांडे प्रचार के लिए निकल पड़े और हमारी टीम भी उनके साथ जायजा लेने निकल पड़ी। महेंद्र नाथ पांडे कार्यकर्ताओं से मिलते रहे, लोगों से मुलाकात करते रहे और उनकी समस्याएं सुनते रहे। एक सभा से दूसरी सभा के लिए जाते वक्त हमने एक बार फिर उनसे बात की। तो मंत्री, जब आप निकलते हैं क्षेत्र में तो सबसे पहले दिमाग में विचार क्या रहता है? जी बिल्कुल, मंदिर आ गया है तो मंदिर जब भी निकलते हैं रास्ते में तो मंदिरों का नमस्कार और लोगों का अभिवादन, तो पहला विचार क्या रहता है? जब मैं निकलता हूँ तो सबसे पहले तो मेरे मन में आज जनता को माननीय मोदी जी के किए गए गरीबों की भलाई, देश के बेहतर विकास के लिए और उत्तर प्रदेश में योगी सरकार द्वारा किए गए कार्यों में आज कौन सा विषय, क्योंकि दोनों सरकारों ने, मोदी सरकार जिसके लिए फिर केंद्र सरकार की सरकार का चुनाव है, इतने ज़्यादा काम किए हैं, इतने कामों की क्वांटिटी और क्वालिटी के इतने डिफरेंस है कि हर दिन हम लोग नई बातें जनता में पहुंचाने की कोशिश करते हैं। जैसे आपने कहा कि पहला विचार आता है आज कौन सी बात अपने जनता को, अपने लोगों को बताया जाता है, तो कभी कभी ये भी तो उस दिन का ये भी विचार रहता होगा कि आज विपक्ष के किस आरोप का जवाब देना है, तो उसकी भी तैयारी करते हैं सुबह। विपक्ष में सुबह अखबार पढ़ते समय और दिन भर की सोशल मीडिया साइट से जो हमारी मीडिया टीम बता देती है जी जी। या जैसे हम टीवी चैनलों पर क्या चला जी।
उन सब की जो जानकारी देती है। अब इतना स्वयं टीवी देखने का तो फुर्सत मिलती नहीं जनसंपर्क में, लेकिन हाँ एक नज़र अखबारों के मुख्य मुख्य 20 मिनट में 20-25 मिनट में। अभी देखिए एक अखबार मैंने नहीं देख पाया, गाड़ी में रखता हूँ, इसको मैं यहाँ देखूँगा। जी, तो इस सब के आधार पर अपनी धारणा बनाते हैं, जवाब देते हैं। जी, और हम जानते भी हम लोग हैं कि ये क्या घिसी पिटी बातें बोल रहे हैं। जी, आज उनके पास सिवाय एक फेक आरोप करना, मिथ्या आरोप करना जी, और अपने जाति और धार्मिक समीकरण संतुष्टिकरण की बातें करने के अलावा कोई विषय नहीं रह गया। तो कभी कभी आपको लगता है ये कि जो आप अपनी, चूंकि बड़ी योजनाएं हैं, केंद्र सरकार की बड़ी योजनाएं हैं, राज्य सरकार का, योगी सरकार का काम भी है आपके साथ, तो आपको लगता है कभी कभी हम बातें योजनाओं की बताने निकला हूँ और लेकिन वहाँ मुद्दा विपक्ष के किसी आरोप का हो गया है, तो आपको लगता है कभी कभी वो बात आप नहीं बता पाते हैं, कभी कभी जाति जनगणना बात करनी पड़ती है, कभी किसी तरीके के भ्रम पे दूर करना पड़ता है, तो कभी इस तरीके की परिस्थितियाँ भी आती हैं? हमें तो नहीं, क्योंकि ये परिस्थितियाँ सिवाय मीडिया में बोलने के अलावा विपक्ष के पास जमीन पर तो कोई मिल ही नहीं रहा। उनका हमारा तो वर्कर हर जगह खड़ा है, उनका जातियों के ग्रुप के लीडर हैं, कोई जमीन पर तो उनके तरफ से कोई बात जनता में बताने वाला है ही नहीं आज उनके पास। इन्हन से कोनो पूछत ना आए हुन विरोधियन से कि मोदी योगी बाबा जब ललकरना है वहाँ बंगाल के सभा में कि आज ये ऐसा संदेश खाली जैसा घटना बंगाल हमारे यूपी में होती तो मैं इन सबों को उल्टा लटका देता, तो जनता 5 मिनट ताली बजौल। इस तरह पूरे दिन भर बीजेपी नेता महेंद्र नाथ पांडे प्रचार में जुटे रहे। करीब 18 घंटे तक हमारी टीम महेंद्र नाथ पांडे के साथ रही और हमने उनके प्रचार और दिनचर्या को समझने की कोशिश की।